राबी पीरजादा स्कैंडल, नाजेबा वीडियोस वायरल होने से माफी तक का सफर। अगर मेरी जिंदगी से कुछ सीख सके तो शायद मुझे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ कर दे। नाजेबा वीडियोस जिस जिसने भी की शेयर, सब होंगे गिरफ्तार। वो जिसने वो कंटेंट फर्स्ट टाइम ट्रांसफर किया या आगे से आगे शेयर किया, हर बंदा जो उसको शेयर कर रहा है वो इसमें मुलजिम। यूनिवर्सिटी तलबा का रद्द अमल, नाजेबा वीडियोस वायरल करने में कौन है जिम्मेदार? तो उसने जो खुद किया वो तो बात अलग है, लेकिन बाद में जो शेयर की गई चीजें और वो बात बहुत ज्यादा गलत थी। जरूरी नहीं है कि उसने खुद लीक किया, क्योंकि कौन चाहता है कि उसकी वीडियोस वायरल हो जाए। मोबाइल डेटा गैर महफूज, हो सकती हैं आप सबकी वीडियोस भी वायरल। अपने बच्चों को समझाएं, उनको गाइड करें प्लीज। जो चीज आपने बना के अपने फोन में डाल दी वो कभी भी वायरल हो सकती है। नाज़रीन, हमारे मोबाइल्स में हमारा जो अपना डाटा है, यानी हमारी अपनी तस्वीरें हैं, हमारी अपनी बनाई गई जो वीडियोस हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल वीडियोस हो सकती हैं, हमारी फैमिलीज के साथ हमारी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, दोस्तों के साथ हो सकती हैं, क्या वो सब चीज़ें, यानी वो सब डाटा क्या महफूज है? हम अपने लिए जो वीडियोज़ बनाते हैं क्या वो भी महफूज है हमारे अपने ही मोबाइल में या गैर महफूज है? आज जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, एक तस्वीर या वीडियो पूरी दुनिया तक सेकंडों में पहुंच जाती है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों हुआ। राबी पीरजादा की तस्वीर और वीडियोस देखते ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स तक जा पहुंची। क्या वीडियोस और तस्वीर बनाना गलत है या फिर वायरल करना? क्या किसी भी नाजेबा वीडियो को वायरल या शेयर करना जुर्म है? किस किसने वीडियोस और तस्वीर को वायरल होने में मदद की? ऐसी सूरत हाल में हमारी इखलाकी जिम्मेदारी क्या है? साइबर क्राइम एक्ट इस हवाले से क्या कहता है? मीडिया इंडस्ट्री के लोगों का ऐसी वीडियोस और तस्वीर वायरल होने पर क्या रद्द अमल सामने आया? क्या पढ़ा लिखा तबका भी ऐसी वीडियोस को वायरल करने में मददगार बना? आज का प्रोग्राम वालदैन, तलबाओ तालिबात और हर उस इंसान के लिए है जो करता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। आज का प्रोग्राम आपको करेगा बाखबर। मोबाइल डेटा किस तरह किया जा सकता है महफूज? हैकर्स किस तरह कर सकते हैं आपका मोबाइल डेटा चोरी? मोबाइल एप्स किस तरह आपकी तस्वीर कर सकती हैं वायरल? आज का प्रोग्राम लाजमी देखिए, ताकि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में आपको साइबर क्राइम के तहत जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। मुजरिम कौन? स्टूडेंट्स, नौजवान हमारे मुआशरे के इस बारे में कितना शऊर रखते हैं और वो क्या समझते हैं कि ये महफूज है, गैर महफूज है, किस हद तक गैर महफूज है, और अगर उनके ख्याल में गैर महफूज है तो फिर आखिर ऐसी चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं? तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी आए हैं, मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, पढ़ लिख रहे हैं, हम थोड़ा सा उनका टाइम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिस्मा इमरान। आपका क्या नाम? लाइबाली। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताइएगा, मोबाइल आप सब इस्तेमाल करते हैं? हम सब एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हम सब वीडियोस बनाते हैं अपनी, हम सब अपनी फ़ोटोज़ लेते हैं, पर्सनल फ़ोटोज़ भी लेते हैं, यानी इंफरादी तौर पर अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप तस्वीरें लेती होगी, फैमिलीज के साथ भी, तो हम तो तस्वीरें लेकर रख लेते हैं मोबाइल में, तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें महफूज हैं मोबाइल में? नो, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। जो भी चीज़ें हम सेव करते हैं, जैसे आजकल होता है किसी की प्राइवेट वीडियोस लीक हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, अगर ये सेव होता तो ऐसे इंसिडेंट कभी भी ना होते। अच्छा, पिछले दिनों कुछ वीडियोस लीक आउट हुई, ठीक है, आप लोगों, मैं ये तो नहीं पूछूंगा आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी, लेकिन पता सबको है कि ये वीडियोस लीक आउट हुई हैं। आपके ख्याल में ये क्यों लीक आउट हुई हैं? क्या इसमें वीडियोस बनाना गलत बात है, वीडियोस बनानी ही नहीं चाहिए थी, या लीक आउट होना गलत है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनानी नहीं चाहिए थी, और मतलब जब बनाई ली थी तो उसको लीक नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो डेफिनेटली जिसने बनाई है या जिसकी वीडियोस हैं उसने खुद तो लीक नहीं की ना, किसी और ने लीक की, तो वो लीक क्यों हुई? साइबर क्राइम ही तो हुआ, मतलब साइबर बुलिंग ड्यू टू मतलब हैकर्स की वजह से, इसी वजह से तो उनका डाटा मतलब चोरी, और उसी वजह से तो वीडियो लीक। आप ये समझते हैं कि उनका डाटा हैक हुआ है, चोरी हुआ है, या आप समझते हैं कि ऐसी वीडियो जो बनाई गई हैं वो खुद से भेजी गई हैं किसी एक के लिए, किसी अपने दोस्त को, किसी अपने हस्बैंड को, कहीं ना कहीं भेजी गई हैं उसके बाद लीक हुई है? कि मतलब उन्होंने किसी को सेंड की थी और उन्होंने लीक की हैं, लेकिन अभी इसकी मतलब हमें असल हकीकत तो नहीं पता कि उन्होंने खुद वो मतलब जिनको सेंड की थी उन्होंने लीक किए हैं ड्यू टू हैकर्स हुआ ऐसा। चलें, अगर हैकर्स के थ्रू हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, आप क्या समझती हैं कि ऐसी वीडियोस जब आपके पास, मेरे पास या किसी के पास भी आती हैं,
हमारा फर्ज क्या बनता है, क्या उसे फौरी डिलीट कर देना चाहिए या हम सवाब समझ के आगे सबको फॉरवर्ड करते हैं? जिस तरह स्टूडेंट्स के दोस्तों के ग्रुप्स बने हुए हैं तो हम फर्ज समझते हैं सबको शेयर करना। जब हमारे सामने इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो सबको इससे एक नसीहत लेनी चाहिए, एज अ एडवाइस, किसी को कोई ऐसी वीडियो बनानी नहीं चाहिए। अगर बनानी चाहिए आप इस पर कितना भी किसी पर भी ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको कभी भी सेंड नहीं करनी चाहिए, इवन कि आपका हस्बैंड हो जो भी है, किसी को भी सेंड नहीं करनी चाहिए ऐसी वीडियो। अगर आपको मिल गई है तो फौरन रिपोर्ट करना चाहिए, उसे डिलीट कर देना चाहिए बावजूद इसके कि आप किसी को सेंड करें। जी हाँ, किसी की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस को किसी को भेजना हो सकता है नुकसानदेह। शौक या फिर शुगल के नाम पर तस्वीर भेजना किस कदर है खतरनाक, किस तरह एक शख्स की वीडियोस और तस्वीर होती हैं शेयर सोशल मीडिया पर, किसी दूसरे का नाम इस्तेमाल करना, तस्वीर या वीडियोस लगाने का रुझान किस कदर बढ़ता चला जा रहा है, कितना बड़ा जुर्म है किसी की इजाजत के बगैर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बनाना। जरा गौर से सुनिए FIA का साइबर क्राइम विंग इस हवाले से क्या बताता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो क्राइम होने की रेशो है वो सोशल मीडिया का क्राइम है। इसमें ये है कि सोशल जो है हमारी एप्स जो हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनको यूज करते हुए जो क्रिमिनल्स हैं वो लोगों को ज्यादा जो हमारे पास रिपोर्ट होता है वो हरेसमेंट के हवाले से होता है। यानी वो करते इस तरह से हैं कि लोगों का पर्सनल डाटा जो है वो उसको स्टील करने के बाद, उसको चोरी करने के बाद, उसको इंटरनेट पे किसी भी सोशल मीडिया की साइट पे चढ़ा दिया जाता है। उसमें दो तरह के हो सकता है। उसमें ये कि पहला ये हो सकता है कि लोगों की साइट्स को, किसी के पेज को, किसी की प्रोफाइल को हैक कर लिया जाता है और उसको फिर मिसयूज़ किया जाता है। उसके अंदर जो डाटा लोगों का पर्सनल मौजूद होता है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए जिसकी वो प्रोफाइल होती है। या दूसरा ये होता है कि किसी की इंफॉर्मेशन लेके, उसकी पिक्चर लेके, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेके उसकी फेक प्रोफाइल बना दी जाती है और उसके थ्रू उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर एक और भी चीज़ हमने देखी है कि लोगों की प्रोफाइल बना के उस पर बहुत अजीब सा कॉन्टेंट उस पर डाल दिया जाता है, यानी कि उसको उसका कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है बच्चियों की, ख़ास तौर पर ख़वातीन की। तो ये वाला क्राइम जो है ये रिपोर्ट होने वाला ज़्यादा क्राइम। सोशल मीडिया खसूसन फेसबुक पर किसी की तस्वीर लगाना, उसे हरेस करना या कोई ऐसी बात करना जो हद के इज्जत के जुमरे में आती हो, साइबर क्राइम एक्ट के तहत जुर्म है। मगर ये रवैया आम होता जा रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया पर राबी पीरजादा की हैशटैग के नाम से मुहिम भी चली, तस्वीर और वीडियोस भी लगाई गईं, तंज भी किए गए। जहां ऐसी वीडियोस ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया, वहीं सेलिब्रिटीज ने भी इस वाकये पर किया अफसोस का इजहार। इन सेलिब्रिटीज ने किस किस को ठहराया जिम्मेदार, जरा गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है जो सब लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं कि क्या हम में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी तन्हाई 100% पाक है? आई डोंट थिंक कि हम में से कोई ऐसा इंसान है जो जब अकेले होता है तो वो कोई भी गलत काम नहीं करता। आई एम श्योर कि हम सब में से कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कोई ना कोई बहुत गलत या कोई वाहियात चीज़ की होगी। अब जब कोई ऐसी चीज़ होती है, मैं ये नहीं कह रही कि ये जो हुआ है ये ठीक हुआ है, मैं ये कह रही हूँ कि जो भी चीज़ हुई, राइट एंड रॉन्ग में मैंने नहीं पढ़ना। अब इसमें तीन लोग इन्वॉल्व थे, एक जिस इंसान के साथ ये हुआ या जिस इंसान ने वीडियो बनाई, उसके बाद वो शख्स जिसने इसको वायरल किया, और तीसरा वो लोग यानी कि आप और मैं अवाम जिसने इस चीज़ को मज़ीद और वायरल करने में हेल्प की। एज अ वुमन, एक इंसान होने के नाते, भूल जाएं कि मैं मीडिया से या किसी और चीज़ का हिस्सा हूँ, मैं तो कहती हूँ कि एक इंसान होने के नाते कितनी ज़्यादती है कि एक इंसान जिसकी एक ऐसी चीज़ थी, चलो वो ठीक थी गलत थी, अगेन क्वेश्चन मार्क, उसको छोड़ देते हैं, मैं इसमें पढ़ना ही नहीं चाहती, लेकिन अखलाकी तौर पर क्या इस किस्म की चीज़ किसी को आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए, वायरल करनी चाहिए? और फिर हम लोग जो इतने हाई मॉरल ग्राउंड पे हमेशा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम तो ये, तो हम तो ये, तो हम तो ऐसा ना करें, तो फिर किसी को बेपर्दा करना क्या ठीक बात है? अगर किसी के पास ऐसी कोई वीडियो आती है या कोई नेगेटिव चीज़ आती है इस तरह से, तो उसको फौरन डिलीट कर देना चाहिए, ना कि हम उसको फॉरवर्ड करें। जिस भी बंदे ने उसको वायरल किया, उस इंसान ने 10 लोगों को भेजा होगा, 20 को भेजा होगा, जब उन 10 या 20 लोगों ने और 10-20 लोगों को आगे भेजा,
तो बात 100 और हज़ारों में चली गई एंड एज अ रिजल्ट ये वायरल हो गई। अब इखलाकी तौर पे मॉरली कितनी गलत बात है और कितनी ज्यादती है। जी हाँ, ऐसे वाकयात पर अफसोस ही होता है। हमारे मुआशरे में इस तरह की तस्वीर शेयर करना और फिर मजाक के नाम पर सोशल मीडिया पर कई तरह के स्टेटस लगाना आम होता जा रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? अच्छा, वो तो एक सेलिब्रिटी हैं, वो एक सिंगर हैं, रिनाउंड फेस है। आप सबकी, हम सब एक कॉमन सिटीजन हैं, तो हम सबकी चीज़ें भी तो लीक आउट हो सकती हैं। हम मोबाइल अपना बेचने जाते हैं या रिपेयर करवाने जाते हैं, तो कहीं से लीक आउट हो सकती हैं। तो क्या किया जाए फिर? ऐसा ऐसी चीज़ें क्या बनाई ना जाए? ना बनाई जाए, ऐसे कंपलसरी तो नहीं है, बस ये हम अपना एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं और अगर हम चाहें तो रुक भी सकते हैं। इवन कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसका भी डाटा हैक हो चुका था, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट था और वो जिससे सिक्का हैक किया था वो उसे बाद में मतलब जैसे साइबर बुलिंग और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए और अगर सोशल मीडिया है तो उसमें प्राइवेसी भी होनी चाहिए। कहा जाता है सिक्योरिटी आ गई है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि प्राइवेसी इज डेड एंड द सोशल मीडिया होल्ड इज वर्किंग ऑन दैट इज करेक्ट एब्सोल्युटली हियर। आप क्या समझती है, लोगों में इतनी अवेयरनेस है? आप सब पढ़े लिखे हैं, आप FIA को जानते हैं, साइबर बुलिंग को जानते हैं, साइबर क्राइम एक्ट्स को आप लोग जानते हैं। आप समझते हैं सब लोगों में इतने अवेयरनेस है कि लोगों जब किसी के साथ ऐसा हो, किसी की तस्वीरें लीक हो जाएँ या कोई थ्रेट कर रहा हो, तो FIA के पास लोग जा सकते हैं, रुजू करना चाहिए, या उनमें इतनी अवेयरनेस है कि FIA भी कोई इदारा है जहां हम जा सकते हैं, या लोग घर बैठे बैठे खासतौर पर लड़कियां डरती रहती हैं? इदारा भी है और मतलब लोगों में इतना शऊर भी है, लेकिन वो एक होती है ना मतलब उनकी एक रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, और मतलब घर वाले भी कहते हैं कि मतलब इज्जत मजरूह हो जाएगी तो नहीं जाना चाहिए, तो FIA तो इदारा है और उनको मतलब जाना चाहिए, वहाँ पे रिपोर्ट करनी चाहिए। तो इदारा तो बना ही इसीलिए कि मतलब अगर कोई इसी तरह का काम हो रहा है तो उसको रिपोर्ट किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। क्या आप समझती हैं कि सारी सूरत हाल का एक ही तरीका है या एक ही सोल्यूशन है कि ऐसी चीज़ें बनाई ना जाएं, या इंसान अपनी खुशी के लिए अपने प्लेयर के लिए कुछ भी बना सकता है? मेरे ख्याल से नहीं बनानी चाहिए। तस्वीर या वीडियो बनाना जुर्म नहीं। हर इंसान अपनी फैमिलीज के साथ तस्वीर बनाता है, सेल्फीज लेता है, लेकिन नाजेबा तस्वीर और वीडियोस बनाना किसी सूरत भी दुरुस्त अमल नहीं। ऐसी तस्वीर का डाटा जब मोबाइल से निकलकर मंजरे आम पर आता है तो घर उजड़ जाते हैं, जिंदगियां दाव पर लग जाती हैं। राबी पीरजादा की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस किसने बनाई या किसने वायरल की, ये एक अलग बहस है, मगर ये तस्वीर और वीडियोस जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल होती चली गईं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी तस्वीर और वीडियोस को शेयर करके हम खुद किसी की जिंदगी की बर्बादी का सबब बनते हैं? आखिर क्यों ऐसी तस्वीर दोस्तों और ग्रुप्स में भेजी जाती हैं? अच्छा नाज़िर, सवालात हमारे वही हैं, लेकिन कुछ मेल स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं, अभी रिसेंट डेज में एक वीडियो लीक होती है, एक नहीं के वीडियो लीक होती है, एक सेलिब्रिटी है, एक सिंगर है, उनकी सबने देखी? जी देखी, शेयर भी ग्रुप में आ जाती हैं, वो देखनी पड़ जाती हैं। उससे आगे भी शेयर की? नहीं, मैंने शेयर नहीं। आपने शेयर नहीं? नहीं, यानी आपने देख के डिलीट कर दी? जी आपने डिलीट कर दी? डिलीट की है। पक्की बात है? पक्की बात है जी। यार ये वाहिद आदमी होगा, वाहिद लड़का होगा जिसने देख के, इसके बैग में मेरे पूरे बैग में हिस्ट्री है कि मैं 2 माह बीमार भी रहा हूं, मेरे सामने कुछ और भी आ रहा था कि ये चीज नहीं रखनी। अच्छा, आपके वो दिन वो चल रहे थे तो आपने डिलीट कर दिया? हां, मैंने डिलीट किया। खुदा यार, आपने, क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद, जाहिद आपने देखी? हां देखी। ये सवाल मैं लड़कियों से नहीं कर सकता था, आपसे मैं कर सकता हूं। सबने देखी, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी अच्छी बात है ये लोग सच बोल रहे हैं, क्योंकि ये इतनी वायरल हुई है वीडियोस कि सबने देखी। शेयर की आगे की नहीं की? शेयर की थी। शेयर भी की? नहीं करनी चाहिए, लेकिन बस एक क्यों? वो क्या सोच के सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, या आप समझते हैं कि ये आ गई है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अब दोस्तों के साथ शेयर करूं? नहीं, अब बैठे होते हैं ना तो दोस्तों को दिखा दे, उसने कहा यार मुझे भी दे दे, उसने कहा यार मुझे भी दे दे, तो दोस्तों को मना नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट्स तो अपनी गलती कबूल कर रहे हैं कि इन्हें इखलाकी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं। अब आपकी अपनी जो चीज़ें मोबाइल में पड़ी हुई हैं, आपका अपना डाटा है, आप अपने सुकून के लिए, अपनी तस्कीन के लिए, अपने प्लेयर के लिए आप अपनी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस बना सकते हैं, अगर लड़कियां बना सकती हैं लड़के भी बना सकते हैं, डेफिनेटली बनाते हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो आपके अपने मोबाइल में आपका डाटा है, ये सेफ है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है सेफ। सेफ नहीं है? किस तरह अनसेफ है? यानी आपके पास है मोबाइल, यहाँ से कौन चुरा के लेके जा सकता है?
एक तो आप अप्रोच कर सकते हैं हैकर वगैरह, उसके अलावा आप कोई मोबाइल वगैरह ख़राब होता है वहाँ चेक करवाने जाते हो तो वो डाटा उनके निकालने कोई मसला नहीं होता उनके लिए। जब आप मोबाइल अपना ठीक करवाने जाते हो जी ऊपर खड़े होकर ठीक करवाते हो ना। ऐसा नहीं होता ना, चार घंटे का टाइम मांगेंगे आपसे, पाँच घंटे का टाइम मांगे, आप देख के आ जाते हो, आप पीछे से वो जो मर्जी करें। ना जो अभी पीरजादा के साथ हुआ ना बड़ा गलत हुआ, वो उसकी प्राइवेट लाइफ थी, उसकी लाइफ जो प्राइवेट लाइफ शो हुई है पब्लिक में आई है, ये इसमें हमारा बजाते कौम बहुत ज़्यादा कसूर है कि हम एक मुसलमान बहसीत कि हमें किसी की पर्दादारी करनी चाहिए, हमने नहीं की, हमने सारा वो शेयर किए हैं ग्रुप में, चस्के लिए हैं, ये चीज़ें हमें ठीक करनी चाहिए। मुझे बताओ कि ये मामलात रुकते नज़र आते हैं, हम हर दफ़ा देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं, बाद में हम तस्लीम भी करते हैं कि हमने गलत किया, लेकिन नेक्स्ट अगर अल्लाह ना करे किसी की वीडियो आ जाएगी, बल्कि राबी पीरजादा की वीडियो के फौरी बाद ऐसा हुआ, एक और मॉडल हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनकी वीडियोस आई, वो भी उसी तरह उसी रफ्तार के साथ उसी डेडिकेशन के साथ शेयर हुई, तो हम सब शऊर रखने के बावजूद रुकते क्यों नहीं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा तो ज़हन इसमें काम नहीं करता कि आए पता नहीं लोग क्यों करते हैं, जब घर में बहन माँ बहन है तो ये चीज़ें क्यों शेयर करनी चाहिए, क्यों करते हैं लोग? कोई नाज़ेबा तस्वीर शेयर करता है तो कोई ये सोचता है कि लोग ऐसी वीडियोस को शेयर क्यों करते हैं। सवाल फिर वही है कि ऐसे में हमारी इखलाकी जिम्मेदारी क्या बनती है? जो चीज हुई वो नहीं होनी चाहिए थी और फिर उसको वायरल करना सबसे बड़ी ज्यादती, और फिर फाइनली क्या उन्होंने ये खुद किया या जान के किया? हर इंसान अपनी इज्जत और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब अगर कोई थोड़े से फहाश कपड़े पहन ले या थोड़ा सा इंडिसेंट हो जाए वो एक फ़र्क बात है, मगर कोई भी इंसान अपनी इस किस्म की एक्सपोज चीज़ कभी भी वायरल नहीं कर सकता, और स्पेशली कोई इंसान जो मीडिया में काम करता है। मैं खुद मीडिया में काम करती हूँ, मेरी दोस्तें हैं जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, मेरे जानने वाले हैं जिनके साथ ऐसा वाकया हो चुका है इन द मीडिया, एंड मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब ऐसी चीज़ होती है तो इंसान का करियर बर्बाद हो जाता है। कोई आपके साथ ब्रांड जो है वो काम नहीं करना चाहता, कोई टीवी चैनल आपको हाथ नहीं लगाना चाहता, सालों तक आप इस गलती को भुगतते चले जाते हैं। सो ये जो एक सोच है ना कि ये उन्होंने खुद वायरल किया होगा या ये मीडिया स्टंट है, कोई भी इंसान लिटरली अपने आप को नंगा नहीं करता मीडिया स्टंट के तौर पर। सो मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से, उन सब लोगों से जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अगर आपके पास ऐसी वीडियोज़ और ये फुटेज आई हैं अभी पीरजादा की या किसी भी आर्टिस्ट की, अभी अपेरेंटली एक मॉडल की भी अब किसी ने इस तरह वायरल कर दी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसको डिलीट करें, और याद रखें हमारी और कोई कनेक्शन ना हो किसी औरत से तो हम सब किसी ना किसी औरत यानी किसी माँ की औलाद हैं, तो औरत की रिस्पेक्ट करें, औरत का रिगार्ड करें, और अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा इंसिडेंट आपके साथ भी हो तो फौरन से पहले FIA को रिपोर्ट करें। ये सच है कि ऐसे केसेस में फौरी तौर पर FIA से करना चाहिए रुजू, लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी सिंगर या मॉडल के मोबाइल का डेटा हैक हो सकता है तो क्या आपके मोबाइल में मौजूद तस्वीर और वीडियोस यानी आपका जाती डेटा महफूज है या नहीं? अच्छा नाज़रीन, यही सवाल लेके हम कुछ और स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट है, यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई हो रही है जी? जी सर। अच्छा, बड़ा एक बुनियादी सा एक छोटा सा सवाल, आप सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, इसमें जो डाटा है आप क्या समझते हैं वो सेफ़ है? आपकी अपनी जो तस्वीरें हैं, आपके मैसेजिंग है, आपकी चैट्स हैं, आपकी वीडियोस हैं जो कि अपनी जाती हो सकती हैं, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें सेफ़ हैं आप समझते हैं? अभी तक तो जब तक हमारे पास है तब तक तो सेफ ही रहेंगी। तब तक सेफ है जी। ये अनसेफ किस तरह से हो सकती है? अनसेफ के आजकल लोग मीन्स के चोरी कर लेते हैं आपका डाटा, मोबाइल डाटा आपका हैक हो सकता है, हैक हो सकता है, आम आदमी का भी मोबाइल डाटा हैक हो सकता है जी, हो सकता है। आप सब स्टूडेंट्स आपका भी हो सकता है, क्यों किसी हैकर को आपके डाटे से क्या इंटरेस्ट हो सकता है? कुछ भी लाइक वो फन के लिए ऐसा कर रहा हो तो उसके हो सकता है, यानी आप सबको ये समझ बूझ है, ये शऊर है, तो मोबाइल डाटा तो किसी भी किस्म का हो सकता है ना, आपकी जाती तस्वीर तो किसी भी किस्म की हो सकती है, तो फिर क्या हम सबको ऐसी तस्वीर लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या इसकी सिक्योरिटी को मुमकिन बनाना चाहिए? यही हो सकता है कि हम उसको मुमकिन बनाएं कि उसको अपने डाटे को सेव रखने के लिए कुछ ऐसे ऐप्स डाउनलोड करें या कुछ ऐसा करें। ऐसी ऐप्स हैं जो आपका डाटा सेव कर सकती हैं? पता नहीं अभी नहीं।
इस तरह भी पता नहीं, कंफर्म नहीं है। क्या मोबाइल ऐप्स मोबाइल का डेटा महफूज बनाने में है मददगार, या फिर इन्हीं मोबाइल ऐप्स की वजह से मोबाइल डेटा हो जाता है चोरी, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट्स हो जाते हैं हैक? अभी तो कई पहलू सामने आने बाकी हैं। अच्छा, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, मुझे आप बताएं मोबाइल सारे यूज करते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल करते हो? जी एंड्रॉइड। तस्वीर अपनी है अंदर? सारी। किस तरह की? हर किस्म की, अपनी भी हैं लेकिन सबकी हैं। सबकी हैं, ज़ाहिर है अपनी तो किसी भी किस्म की हो सकती है ना? नहीं नहीं, अपनी सिर्फ अपनी। अपनी सिर्फ अपनी है। ये जिस तरह की भी तस्वीरें हैं आपकी, आप क्या समझते हो सेफ हैं इस मोबाइल में? आपके अपने मोबाइल में आपकी तस्वीर या वीडियोस या जो भी डाटा है वो सेफ है? मेरे अपने मोबाइल में सेफ है, बिल्कुल। हाँ जी, सेफ है। आपको नहीं लगता कि ये लीक आउट हो सकता है, हैक हो सकता है? हैक हो सकता है, लेकिन अगर हो जाए हैक तो मुझे कोई मसला नहीं, अगर तस्वीर निकल भी जाए। अभी रिसेंट आपने खबर देखी होगी, सुनी होगी, एक सिंगर की वो वीडियोस देखने का इत्तेफाक हुआ जी, देखने का इत्तेफाक, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है नाज़रीन, हम सब एटलीस्ट सच बोलने का हौसला होना चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ऐसी वीडियोस हैं कि इतनी वायरल हुई हैं कि सब ने देखी हैं। कुछ लोग अगर ना माने मैंने नहीं देखी तो अलग बात है, लेकिन सच बोलने का हौसला होना चाहिए। उस वीडियो को सिर्फ देखा या आगे शेयर भी किया? सर, शेयर करने वाला मेरा इतना स्टेमिना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी के साथ इस तरह किया जाए तो घूम के हमारे पास वापस आना है। तो मेरे शेयर नहीं की, मेरे पास पड़ी हुई है लेकिन मैंने शेयर नहीं की। इस सेलिब्रिटी के साथ, इस सिंगर के साथ जो हुआ, सही हुआ गलत हुआ? सर, उसने जो किया वो तो उसका किरदार है ना। उसने क्या किया, आप क्या समझते हैं ये सब कुछ उसने खुद वो किया? ये मुझे नहीं पता इस मामले को, वो खुद ही आपके सामने ही है, वो खुद ही किया, इस तरह तो कोई और एक परसेप्शन आती है वो वीडियोस को देखने के बाद, ये परसेप्शन आती है कि खुद किया होगा। हाँ जी, परसेप्शन ये आती है लाजमी, क्योंकि इतना ज्यादा कोई फोर्स नहीं कर सकता कि बंदे के चेहरे से नजर आया था कौन फोर्स है कौन नहीं। बिल्कुल ठीक। तो उसके उसने जो खुद किया वो तो बात अलग है, लेकिन बाद में जो शेयर की गई चीजें और जो उसको फैलाया गया वो बात बहुत ज्यादा गलत थी। किसी की भी तस्वीर या वीडियोस को शेयर करना हो सकता है कितना खतरनाक। अलमिया ये है, सोशल मीडिया पर लोग नाजेबा तस्वीर और वीडियोस को शेयर करना जुर्म नहीं समझते, लेकिन जाने अनजाने में जरा सी कोताही उन्हें हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। आपका मोबाइल डेटा तब तक गैर महफूज है जब तक आप इसको मुनासिब अंदाज में महफूज नहीं करते। क्या ये सच है कि ऐसी वीडियोस और तस्वीर शेयर करने में पढ़ा लिखा तबका भी शामिल है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर। बैचलर्स के स्टूडेंट और मास्टर्स के? बैचलर्स। आप मुझे बताओ, वीडियोस आपने देखी? हाँ। देखी, शेयर की? नहीं, शेयर नहीं, मुझे खुद मुझे ग्रुप में मिली थी कहीं पे। अच्छा, शेयर नहीं की। देखिए, क्या लगा आपको, ये सही हुआ गलत हुआ? देख के तो मतलब ये नहीं, सही गलत वाला तो दूर की बात है, मतलब कि देखें जो उसने किया वही वाली बात है, जो उसने किया कि हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, वो उसका उसका रब का मामला है, हमें कोई उससे की कंसर्न नहीं है। लेकिन अब तक पहुँच गई ना, बस अब हमें लोगों को ये चाहिए था कि अगर निकल भी गई हैं तो कम से कम शेयर किया जाता। आप वाली बात है, अब आजकल आप छोटे बच्चे से पूछेंगे उसने भी देखी होगी। जिसने शेयर की, किसी ने उसे डांटा, किसी ने उसे समझाया कि तुमने ये क्या किया भाई, तुमने ये क्यों भेजी? सर, हम ना अपनी बुराई मानने को तैयार नहीं है, हम खुद ऐसे हैं। हम खुद ऐसे हैं तो हम अगले बंदों के मुंह से डांटेंगे, जब हम खुद सिगरेट पीते हैं तो अगले बंदे को हम डांटने की बजाय हम थैंक यू बोल रहे होते हैं, शुक्रिया अदा करने बोल रहे होते, बस शुक्रिया नहीं होता। लेकिन बस मसला ये है, हमें मीडिया के स्टूडेंट और हमें हमारा ये होता है कि कंसर्न होता है कि हमें ज़रा ये जो अब 3-4 दिन तक वो ट्रेंडिंग पे चलती रही है आई एम रावी पी ज़्यादा, तो अब आप इतनी ज़्यादा अवेयर, आप जब सारी चीज़ें सुन रहे हो तो आपको अगर वो पता नहीं होगा, वीडियो नहीं देखी तो आप क्या उस पर तजिया क्या करोगे? बिल्कुल ठीक है, उसके लिए देखना ज़रूरी है। आपने सिर्फ इसलिए देखी कि आप उस पर तजिया करना चाहते हैं? तजिया नहीं, मतलब मैं ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सकीना। राबी के साथ गलत हुआ, राबी ने अपने साथ गलत किया, लोगों ने उसके साथ गलत किया, क्या समझती हो? लेकिन लोगों ने तो डेफिनेटली गलत किया है, अब ये आप नहीं कह सकते कि उसने अपने साथ गलत किया है या नहीं, क्योंकि उसके फ़ोन में थी वीडियोस। अब
ज़रूरी नहीं है कि उसने खुद लीक की, क्योंकि कौन चाहता है कि उसकी वीडियोस वायरल हो जाए या कुछ। क्या पढ़ा लिखा तबका शऊर रखने के बावजूद ऐसी वीडियोस और तस्वीर को फैलाने में है मददगार? क्या ये सब मजाक के नाम पर हो रहा है या फिर इसके पीछे है कोई और वजह? जरा गौर से सुनिए कि कैसे मोबाइल का डाटा होता है चोरी। मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर इनबॉक्स में लिंक सेंड करने तक हर राज साइबर क्राइम विंग ने बता दिया। मोबाइल आपका खराब होता है, आपका लैपटॉप खराब होता है, कंप्यूटर खराब होता है, आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हो ठीक करवाने के लिए। ख़ास तौर पे मोबाइल डिवाइस जो होती है आप उसको दे के आ जाते हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो उसका क्या बनेगा, वो लोग उसमें से डाटा निकाल लेते हैं। ज़्यादा केसेस ये वाले जो रिपोर्ट हो रहे हैं कि मोबाइल आप डिवाइस ठीक कराने के लिए लेके गए हो और उसमें से डाटा वो उन्होंने निकाल के और उसको फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है, फेक प्रोफाइल्स बनाना, सोशल मीडिया पे उसको पब्लिश करना ये शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसी हैं, इसमें कुछ ऐसे भी हमारे पास मैटर्स है। इसके अलावा किस तरह से डाटा आपका सील हो सकता है वो ये है कि आपको कोई चैट करते हुए अननोन बंदा आपको कोई लिंक भेज देता कि ये मूवी है, वीडियो है, बड़ी अच्छी चल रही है, या कोई इस तरह का उसका कैप्शन जो होता है वो बड़ा अट्रैक्टिव सा होता है, आप उसको क्लिक करते हैं, वो आपके मोबाइल में वो बैकडोर इंस्टॉल हो जाता है, उसकी एक्सेस चली जाती है उसके पास, वो आपके मोबाइल में से डाटा निकालना शुरू कर देता है, वो सारा डाटा निकाल लेता है। तो इसमें बहुत सारे अवामिल है। ये कि जो हम लोग मोबाइल और ये सोशल मीडिया यूज़ तो करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, लेकिन इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हमें पढ़ाए बताए नहीं गए। वो इसी तरह से बताए जा सकते हैं जिस तरह से आप ये प्रोग्राम करें और लोगों को, बच्चों को जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं उनको बताया जा सकता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आपका डाटा चोरी हो सकता है, उनको ये बताना, यही इसी तरह से एजुकेट किया जा सकता है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए आपको। और सबसे पहली चीज़ ये कि इस तरह का डाटा रखना ही नहीं चाहिए अपने डिवाइस के अंदर। जरा सी एहतियात आपको बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। यहाँ ये सवाल भी जरूरी है कि क्या ऐसी तस्वीर और वीडियोस शेयर करने वाला भी है कसूरवार? FIA साइबर क्राइम विंग ने कौन सी खतरे की घंटी बजा दी बताएंगे, मगर पहले उन स्टूडेंट्स की बात भी सुन लीजिए जो सब जानते हुए भी ऐसी वीडियोस को करते हैं शेयर। आप बताएं, आप क्या समझती हैं? मैं आपसे ये सवाल तो नहीं करूंगा आपने वीडियोस देखी कि नहीं देखी, खबर तो आपको पता होगी, आपने देखी होगी, आपको इसका नॉलेज तो है। मुझे एक्चुअली कुछ भी नहीं पता था, अभी 5 मिनट पहले ही मुझे पता चला। अभी आपको पता चला है? जी तो। भजा, आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती हैं, ट्रेंडिंग को फॉलो नहीं करती, इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट आपका नहीं है और आपकी नज़रों के सामने से गुजरी भी नहीं है, आपको अब पता चला 5 मिनट पहले, आप क्या समझती हैं कितना गलत हुआ? बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल वुमन, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू हर इन हर होल लाइफ, दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? मानूर। आपको पता था? आपने पहले थोड़ा बहुत पता था कि जब देख रहे थे, लेकिन मैंने कोई कोशिश नहीं की जाके मैं अलग से देखूं इसके लिए क्या वीडियोस थे। और अभी भी मैंने पूछा तो वीडियोस आपने नहीं देखी या आपका इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल ठीक है, किसी का कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है। बस इतना पता था कि वो किसी शॉप पे गई थी, वहाँ से लीक हुई और उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये इतनी एक आम सी बात थी आपके लिए कि किसी सेलिब्रिटी की या किसी भी लड़की की, किसी औरत की, तरह की चीज़ें लीक आउट हो जाना और पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में वो वीडियोस देखी गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कितना गलत है? मतलब आवाम को शौक है, वो क्यों देख रही? देखना तो बहुत गलत है, उसके बाद ज्यादा गलत आप ये नहीं समझती ज्यादा गलत किया उसे फॉरवर्ड करना, उसे शेयर करना? अगर उसने खुद किया है तो फिर वो भुगते और अगर, लेकिन हमारी रिस्पांसिबिलिटी कहाँ पे आती है? अगर उसने खुद भी नहीं करना चाहिए हमें शेयर तो नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ऐसी वीडियोस को आगे भेजना और फैलाना जुर्म है। क्या FIA साइबर क्राइम विंग हर उस शख्स को गिरफ्तार करेगा जिसने की हैं राबी पीरजादा और दूसरे लोगों की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर शेयर या फिर व्हाट्सएप? जरा गौर से सुनिएगा, कौन कौन है FIA साइबर क्राइम विंग की नजर में मुलजिम? हमारा 21 सेक्शन है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन जिस को डील करता है, उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी का शेयर किया जाता है तो वो इसमें शेयर करना, उसको पब्लिक करना, उसको ट्रांसमिट करना, किसी को ट्रांसफ़र करना,
वो जिसने वो कंटेंट फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र किया या आगे से आगे शेयर किया, हर बंदा जो उसको शेयर कर रहा है वो इसमें मुलज़िम है। अगर उस पर यह साबित हो जाता है कि किसी बंदे ने इस चीज़ को आगे शेयर किया, तो वो उसके ऊपर भी कानून उतना ही लागू होगा जितना उसको बनाने वाले पे लागू होगा और फर्स्ट टाइम जो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसमें लोगों को अभी नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों को जब हम अरेस्ट करते हैं तो वो उनको कानून का नहीं पता होता, उनको ये समझ नहीं होती कि ये हम इलीगल काम कर रहे हैं, उनके लिए ये फ़न होता है। बट ये है कि लेकिन जब हमारे हाथ आ जाते हैं उसके बाद आप ये देख लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर सामने होता है, बहुत सारे लोगों के अपने फैमिली के मसाइल होते हैं, लेकिन वो है ना कि एक इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो म्यूज़िक फेस करना होता है जो आगे कोर्ट्स का, FIA का, वो सारा। तो बेहतर है कि इस चीज़ को इसको रोका जाए, इस तरह के कंटेंट को शेयर करने वाला जो भी शेयर करेगा वो हमारा मुलजिम होगा। FIA साइबर क्राइम विंग ने तो हर उस शख्स को मुलजिम ठहरा दिया है जिसने राबी पीरजादा की नाजेबा तस्वीर वायरल करने में की है मदद। FIA साइबर क्राइम विंग ने तो हर उस शख्स को मुलजिम ठहरा दिया है जिसने राबी पीरजादा की नाजेबा तस्वीर वायरल करने में की है मदद। लेकिन यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या राबी पीरजादा ने ऐसी वीडियोस खुद वायरल की या फिर किसी ने किया था डेटा चोरी। ये सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है कि ऐसी वीडियोस फिर वीडियो बनाई ही क्यों मेरी, बल्कि खुद एक और मेल आर्टिस्ट से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि लेकिन जुगन ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, बिल्कुल ठीक हुआ है उसके साथ। देखिए उन्होंने वीडियो क्यों बनाई हमें नहीं पता, उन्होंने वीडियो बना के अपने हस्बैंड को भेजी, उन्होंने अपनी पर्सनल देखने के लिए, व्यूइंग के लिए बनाई, उन्होंने प्राइवेसी में कोई चीज़ की। अब प्राइवेसी में तो हम लोग वॉशरूम भी यूज़ करते हैं, नहाते भी हैं, अगर हमारी कोई वीडियो बना दे तो, और चले अगर उन्होंने बनाई भी, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने ठीक किया, ये गलत चीज़ थी इस लिहाज से कि भाई हर चीज़ वायरल हो जाती है आजकल सोशल मीडिया पे और इतने ज़्यादा केसेस हैं, किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया, किसी को कुछ हो गया। अब उन्होंने अगर, चलो मैं तो इस चीज़ की तरफ जा नहीं रही कि सही के गलत, उन्होंने बनाई शायद उनको नहीं बनानी चाहिए थी, बल्कि उनको नहीं बनानी चाहिए थी, किसी को भी ऐसी चीज़ नहीं बनानी चाहिए। और स्पेशली अगर माँ बाप अभी प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपने बच्चों को समझाएं, उनको गाइड करें, प्लीज़ जो चीज़ आपने बना के अपने फ़ोन में डाल दी वो कभी भी वायरल हो सकती है। कभी कभी लड़के जो है वो जिम बहुत ज़्यादा जाते हैं तो बिल्कुल ही अंडरवेयर के अंदर अपनी तस्वीरें खींच लेते हैं और अपने फ़ोनों में रख लेते हैं दोस्तों को दिखाने के लिए, बडीज़ को दिखाने के लिए। प्लीज़ ना लड़के करें ना लड़कियां करें, और अगर कोई आपसे कोई फजूल वीडियो मांगे या कोई ऊट पटांग की चीज़ मांगे तो आप बिल्कुल भी ना भेजें, चाहे वो आपका शौहर क्यों ना हो, क्योंकि हस्बैंड्स के बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं तुम मुझे वीडियो बनाओ, नहीं हम ये वीडियो बनाएंगे, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती, क्या तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती, स्वाते मिट्टी ट्रस्ट करें, मतलब अगर इस किस्म की चीज़ें इंसानों के साथ होनी है तो। सो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ डोंट मेक सच वीडियोज़, ऐसी चीज़ें बनानी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी के कोई इस तरह वायरल हो जाए तो आप उसको वायरल करने में अपना हाथ ना डालें, लोगों के लिए अगर आसानियां नहीं पैदा कर सकते तो कम अज़ कम मुसीबतें ना करें। हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमारा मजाक किसी की जिंदगी को दांव पर तो नहीं लगा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ऐसी वीडियोस को आगे भेजकर अनजाने में मजीद वायरल कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें खुद क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स ने बता दिया। क्या मैसेज दोगे आप? आप क्या मैसेज देना चाहोगे सबको जो लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो खुद को मैसेज है कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। उसके बाकी को भी यही कहते हैं कि जब ऐसी कोई चीज़ मिले तो रिमूव कर देनी चाहिए फौरन। स्टार से रिमूव होगी तो आगे पहुंचेगी नहीं, वायरल होगी नहीं। ओके, आप कुछ कहना चाहो? ये चीज़ है कि अगर आपके पास पहले वीडियो आ रही है, जो वीडियो भेजने वाला ना उसकी माँ बहन पहले एक करो, फिर उसके बाद डिलीट करो, आगे सेंड ना करो कि आइंदा आपको वो वीडियो ना आए ग्रुप में। ऐसी शर्म दिलाएं, शर्म दिलाएं, शर्म दिलाएं, तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, ऐसी चीज़ें क्यों करते हो? अगर करनी है तो अपने तक रखो। ऐसा अगर करेंगे हम, बुनियादें रखेंगे तो सोसाइटी में चेंज आएगा ना, हम तो स्टार्ट करें। बहुत अच्छी बात। हम ऐसी नाजेबा तस्वीर और वीडियोस को फौरन वायरल होने से बचा सकते हैं। किसी की भी ऐसी वीडियोस या तस्वीर सामने आने पर फौरन कीजिए रिपोर्ट और करिए डाटा डिलीट।
ताकि उसे मजीद वायरल ना किया जा सके। इस सारे वाक्य के बारे में राबी पीरजादा ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। बहुत दिल कर रहा है कि वहीं पे जिंदगी गुजार दूं। अगर गाऊंगी तो सिर्फ अपने रब की हम्द सना और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात या सुफियाना कलाम। आज के बाद मेरी जिंदगी का मकसद है मेरी आकबत। मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए बहुत आसान है शोबिज़ में जाके पहले से ज़्यादा गुमराह हो जाऊँ, लाइम लाइट में चली जाऊँ, लेकिन अब मुझे अपनी कब्र के अंदर से डर लगता है। और बहुत दफ़ा ऐसी एग्जांपल्स लोगों ने सेट की आपके सामने, मेरे सामने बहुत मुसलमान हुए शोबिज़ के लोग वापस पलट गए, जो मुझे लगता है कि गलत मिसालें थी। मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुमराह हैं लेकिन लाइल्म है। अगर मेरी ज़िंदगी से कुछ सीख सके तो शायद मुझे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ़ कर दे। फिर दे दुआ कीजिएगा और कश्मीर के दे दुआ कीजिएगा। राबी पीरजादा ने तो तौबा कर ली और सच ही कहा राबी पीरजादा ने कि जिस जिसने वीडियो शेयर की वो सब मुल्जिम हैं। लेकिन राबी पीरजादा की वीडियोस और तस्वीर को वायरल करने वाले क्या खुद को ठहराते हैं जिम्मेदार? क्या आप सब करते हैं तौबा? किसी के किरदार पर उंगली उठाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अपने गिरेबान में कौन झांकेगा? फैसला आपने खुद करना है। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।